पिछले एक साल की जो हम बात कर रहे हैं, घोटालों पर घोटाले और भ्रष्टाचार के इतने सारे केस, ईडी सीबीआई सबसे ज्यादा जो दिखा वो यहां पर, एक एक करके ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार अब मुख्य मुद्दा हो गया है देश की राजनीति में, और उसमें महाराष्ट्र की भी एक अहम भूमिका रही। आपको लगता है कि एक एक करके अब ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, बीएमसी भी अब तो उसमें आ गया कोविड के समय का, ये किसी बदले की राजनीति के तहत हो रहा है या वाकई में जितने दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार ये मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कभी कभी दूसरे मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन आम आदमी को मन से ये लगता है कि हमारी सिस्टम से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। आज आम आदमी मोदी जी के पीछे क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम तैयार की है कि मोदी जी की किसी योजना में कोई एक पैसा नहीं खा सकता, किसी को उन्होंने स्कोप ही नहीं रखा है, एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम को तैयार किया है। तो आम आदमी के लिए ये बात तो महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ये जो घोटाले कोविड के समय हुए हैं, आप जम्बो कोविड सेंटर में घोटाले करते हो, लोगों की जान से खेलते हो। 35 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि हमने केवल अप्लाई किया था, हम कभी नौकरी पर रहे नहीं, उनके नाम से तनख्वाह निकल गई है, उनको दिखाया गया है। इसका मतलब कोविड सेंटर में कौन था, कौन पेशेंट को देख रहा था? तो लोगों की जान से आप खेले हो, बॉडी बैग में घोटाला करते हो, आपको तो कफन चोर बोलना पड़ेगा, बॉडी बैग का घोटाला। ऐसे इतने घोटाले, इतने कैग ने कोविड का ऑडिट ही किया नहीं है, नॉन कोविड के ऑडिट में 12,000 करोड़ के घोटाले निकले, अब कोविड के ऑडिट में कितने निकलेंगे पता नहीं है। तो ये घोटाले के ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, जनता का पैसा है, हम करेंगे। जब आपके साथ में थे उद्धव ठाकरे, तब कुछ ऐसे भ्रष्टाचार की चीजें आती थी उनकी तरफ से सामने, या ये अचानक 2.5 साल के अंदर? देखिए, क्या है कि कॉरपोरेशन में तो पिछले 2017 से हमने उनका साथ छोड़ दिया था। हमने कहा आप चलाइए कॉरपोरेशन, हम आपके इन गोरख धंधों में हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, हम स्टेट में साथ में है, लेकिन कॉरपोरेशन में हमारी भूमिका जो है, भले हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे लेकिन विसल ब्लोअर के रूप में बैठेंगे। और आप देखिए, 2017 से लेकर 2022 तक जब तक कॉरपोरेशन थी, तब तक हमने वहां विसल ब्लोइंग का काम किया है। भले ही वो हमारे साथ थे, फिर भी हम विसल ब्लोअर का काम कर रहे थे। तो आपको लगता है कि उसके बाद ही सब कुछ, वो 2.5 साल के दौरान? हाँ, ये देखिए, लगातार ये घोटाले करते आए हैं। मुंबई महानगर पालिका, ये इनका एक मिल्किंग काऊ है इनकी।